लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये तीन तिकड़म जो बैठे हैं, ये पहली बात तो अप्राकृतिक जीवन जीने वाले हैं। अब तो लग रहा है राष्ट्र लुट जाएगा आसार नजर आता है। अब हुकूमत में बैठे हुए तीन तिकड़म गद्दार नजर आते हैं। देश के खातिर लुटा दी किसानों ने जान अपनी, और इनको सबसे ज्यादा अगर कोई किसान ही गद्दार नजर आते हैं। ये लोग, ये तीनों अप्राकृतिक जीवन जीने वाले बिना संतान बिना परिवार वाले बैठ गए हैं, इसलिए इनको तो पता ही नहीं। राजा वही होना चाहिए जो प्राकृतिक जीवन, इसीलिए आज प्रकृति भी नाराज है। कोरोना आने का क्या कारण है? यही कारण है कि गद्दी पे मूर्ख बैठ चुका है। पूरा देश का अब यह मसला, पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो चुका है, और हर किसान, और ये जो जवान खड़े हैं ये हमारे ही बच्चे हैं। और यह सरकार ये कह के आई थी बेटी बचाओ बेटी, आज स्कूल तोड़े जा रहे हैं और बेटियों का हत्या बढ़ा, तो अब ये किसान कह रहे हैं, किसानों की आवाज है, हक नहीं इनको हमारी देश की। ये कोर्ट पर दीमकों को ना रखो अगर जूतियों की नोक पर, सर पे चढ़ जाएंगे, कई गुना बढ़ जाएंगे, हुक्मरान होंगे इन्हीं के, आग मूतेंगे सभी, पैर के नीचे कुचल दो, जीत होगी धर्म की। क्या हुआ मोहन का वादा? है कहाँ बाबा साहब का संविधान? अगर सब बराबर थे तो फिर किसानों को क्यों चुना? अलग अलग तोड़ तोड़ करके लड़ा रहा, कभी किसान को, कभी जवान को, कभी युवा को, कभी बेरोजगार। अब किसान का मुद्दा लिया है, अब आज प्रधानमंत्री बॉर्डर भी तोड़ दिया। हमने लोकतंत्र का कत्ल देखा, वो कत्ल कैसे हुआ? वो खाई पाट दी, खाई का कत्ल हुआ, उसमें कंटेनर डाल दिए, फिर कत्ल हुआ, फिर उसके बाद कत्ल हुआ, बड़े बड़े ब्लॉक डाल दिए, ब्लॉकों को तोड़ा, फिर तोड़ा, तीसरी बार तोड़ के, ये बॉर्डर तोड़ के हम दिल्ली चले, हमको फिर गिरफ्तार कर लिया। तो फिर हम कहते हैं मोदी साहब होश में आओ, मोदी साहब होश में आओ, जितनी देर होश में आए आपका दिमाग खराब हो रहा है, आप बखलाट में आ गए हो। ये किसान जेड़ा तीनों कानून है, एक किसान मजदूर व्यापारी ट्रांसपोर्ट के विरोधी, इसको रद्द कर दिए, तो डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उसको लागू करें, पीछे नहीं मुड़ेंगे, नहीं मुड़ेंगे। मोदी कहता है मोदी गुमराह कर रहा है। हमने किसानों को खुली मंडी दे दी, खुली तो पहले ही है। मोदी कहता है MSP नहीं तोड़ेंगे, MSP तो पहले है। मोदी के MSP का जनाजा निकल चुका है, कैसे निकल चुका है? आज झोने का पैडी का रेट 1860 रुपये है, UP में 900 रुपये में बिकता है, और 200 किराया पंजाब में जाता है। इसका मतलब जब जो पैडी का रेट 1860 रुपये है, तो व्यापारी को 1870 रुपये में खरीदना चाहिए। फिर और पंजाब में मक्की का रेट क्या है? मक्की का 1447 रुपये रेट है, पंजाब में 800, बिहार में 600 बिक रहा है। इसका भी जनाजा निकाल दिया, MSP का भी जनाजा, सभी का जनाजा।